देखिए, हमारा जो एनफोर्समेंट वाला पार्ट है वो हमारा एक मामूल है, रोज़ होता है। हमारी एक छोटी सी टीम है, वो हमेशा ग्राउंड पे होती है। उसके साथ साथ जो भी हमारे ट्रैफिक के अमला जो हैं इस टीम काम कर रहे हैं, वो भी काम करते हैं। बदकिस्मती है ये कि ये जो अभी जो आपने एक्सीडेंट देखा होगा जिसमें दो बच्चों की जान गई, ऐसे मामलात जब हम रोड पे देखते हैं हम तो उनके साथ सीरियसली डील करते हैं। लेकिन ये है कि हमारे समाज को सुधरने की ज़रूरत है। जब तक ना ऐसे इंसिडेंट्स माँ बाप की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, हमसाये की तरफ से कंडम हो जाए, तब तक हम एक आइडियल सिचुएशन में नहीं आएंगे। ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। तो मैं आपके ज़रिए से आज ये ओकेजन पे अपने जितने भी समाज में जो हमारे लोग हैं, लीडर हैं, रिलीफ हैं, वो मजहबी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जिनकी रीच है लोगों तक, मैं उन तक एक गुजारिश पेश करता हूं कि वो लोगों को इस बारे में नसीहत करें, उनको एजुकेट करें और ऐसे किसी भी केस को हमारी नज़र से आने ना दें। तो हम अपनी लेवल पे जो भी हैं हमारे एनफोर्समेंट मेजर्स हैं उनमें फर्दर हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। हमारा जो ट्रैफिक का मामला है, उन्होंने जो भी जुवेनाइल लोग गाड़ियां चलाते थे उनकी गाड़ियां सीज हुई है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। हम कितनी गाड़ियां सीज करें तो एक सैचुरेशन लिमिट आ जाता है उसका। तो अल्टीमेटली वही बात पहुंचती है कि ये एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है हम सब की। तो हम सबको अपना अपना रोल जो है वो निभाना चाहिए। शायद श्रीनगर से बाहर भी हमारे जितने भी ARTOs हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे हफ्ते में हर दो दिन का एनफोर्समेंट होता है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, मेरे जितनी भी टीम है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो थोड़ा एनफोर्समेंट पे ज़्यादा जोर दे दें। देखिए, हम पिछले 5 दिनों की बात मैं नहीं करूँगा, मैं पिछले कई महीनों की बात करूँगा। तो हमारे पिछले कई महीनों में हमारी सिर्फ ट्रांसपोर्ट की जो टीम है, मैं श्रीनगर का ही डाटा अगर आपको पेश करता हूँ, हमारे कुछ 1500-1600 चालान हुए हैं जिसमें तकरीबन 37 लाख का रेवेन्यू भी हमने लिया है। इसी तरह अगर पूरी वैली की बात करेंगे हम, तकरीबन 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। ये मामूलन हमें 4-5 करोड़ का रेवेन्यू साल में आता है। तो लेकिन मैं आपके साथ एक डाटा पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि जब जहाँ के हम एनफोर्समेंट नंबर ऑफ चालान या रेवेन्यू जो हम पेनल्टीज रिकवर करें वो हर साल बढ़ती हैं, लेकिन एक्सीडेंट रेट प्रोपोर्शनेटली घटती नहीं है जो घटना चाहिए। तो अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमी कहाँ है। कमी यही है कि हमें पता है आज एजुकेशन की कमी नहीं है, लेकिन अमलाने में फ़र्क है। तो हम सबको एज ए स्टेक होल्डर्स आपका बहुत रोल है, आपका लोगों तक पहुंच है। तो आप सबको ये मैसेज लेनी चाहिए हमारे लोगों के दरमियान कि हमें थोड़ा सा एक सेंसिबल ड्राइविंग स्किल जो हैं वो एटीट्यूड जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम इस बीमारी से हम निपटा सकेंगे। बहुत शुक्रिया।